हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे संकरण। ठीक है, पिछली क्लास में हम संकरण की परिभाषा देख चुके थे, उसी के साथ हम संकरण का एक प्रकार एसपी संकरण हम देख चुके थे, उसकी परिभाषा देख चुके थे और उसको एग्जांपल एसिटिलीन के द्वारा हमने समझा था। ठीक है, तो आज हम संकरण का दूसरा टाइप हम देखेंगे, एसपी टू संकरण। ठीक है, क्या एसपी टू संकरण? अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर नाम में साबित हो रहा है कि यहाँ पर एसपी टू संकरण में एक तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, एस कक्षर, और दो क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, पी कक्षर। तो जब एस कक्षर, एक एस कक्षर और दो पी कक्षर आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके तीन नए एसपी टू संकरित कक्षर बनाते हैं, तो ये परिघटना क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो संकरण होगा ये कौन सा संकरण होगा, एसपी टू संकरण होगा। आप लोगों को ये पता है कि हमेशा संकरण जो निकाला जाता है वो किसका निकाला जाता है, केंद्रीय परमाणु का संकरण निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो किस तरह इनका निर्माण होगा। ये एक एस कक्षक है, हमें पता है कि एस कक्षक क्या होता है, गोलाकार होता है, और इसी संकरण में दो पी कक्षक भाग लेंगे। ठीक है, ये माना पी एक्स है तो ये क्या है, पी वाई है। ठीक है, ये तीनों आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके हमें पता है कि संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। तो यहाँ कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, एक दो तीन, तीन कक्षक यहाँ संकरण में भाग ले रहे हैं, तो तीन नए एसपी टू संकरित कक्षकों का निर्माण होगा। इनको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है, तीन एसपी टू संकरित कक्षक। ठीक है, ये तीन एसपी टू संकरित कक्षक है, ये कैसे विन्यास में विन्यासित होता है, इनका भी विन्यास क्या होता है, तो ये होते हैं समतल त्रिकोणीय विन्यास में विन्यासित। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर विन्यास में ये विन्यासित होते हैं। किस तरह, देखिए ये है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक, समतल त्रिकोणीय का अभिविन्यास होता है। ठीक है, इसकी ज्यामिति पूछ जाएंगे तो क्या होगी, समतल त्रिकोणीय होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। इसके मध्य बंद कोण की बात करें तो ये जो बंद कोण होता है ये कितना होता है, 120 डिग्री, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120 डिग्री। ठीक है, तो एसपी टू संकरण जब होगा उसमें एक एस कक्षक और दो पी कक्षक आपस में भाग लेते हैं, तीन नए एसपी टू संकरित कक्षक बनाते हैं, वो ट्राइगोनल प्लेनर विन्यास में विन्यासित होते हैं और उनके मध्य जो बंद कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। ये हुआ एसपी टू संकरण। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे एथीन, जो एथीन है, इस एथीन में इस कार्बन की बात करें या चाहे इस कार्बन की बात करें, दोनों का ही संकरण क्या है, एसपी टू संकरण होता है एथीन में। ठीक है, वैसे ये संकरण आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जितने सिग्मा बंद की संख्या होती है उसको संकरण से हम पता कर सकते हैं। जैसे देखो इसका हम थोड़ा एसपी थ्री संकरण देखने की बात पता करेंगे कि किस तरह से हम सिग्मा बंद की संख्या के आधार पर संकरण का पता करते हैं। ठीक है, अभी ये देखो कि यहाँ पर एथीन है और एथीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण एसपी टू होता है। ठीक है, देखो कैसे, अगर हम इसको खोल के बनाए तो ऐसे बनेगी, देखो ये आपने एथीन की संरचना बनाई, इसमें ये क्या है एस कक्षक, ये भी क्या है एस कक्षक, ये भी क्या है एस कक्षक और ये भी क्या है एस कक्षक।
ठीक है। ये एस कक्षक किसके हैं? यहाँ पर ये हाइड्रोजन के हैं। किसके हैं? हाइड्रोजन के ये एस कक्षक है, ठीक। और हमें पता है कि कार्बन का यहाँ संकरण sp2 है, तो उसके पास में तीन sp2 संकरित कक्षक होंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, तीनों sp2 संकरित कक्षक है। ट्राइगोनोक्लोरीन विन्यास से 120 डिग्री कोण पर है, तो क्या होगा, एक sp2 संकरित कक्षक और दूसरे कार्बन का sp2 संकरित कक्षक, ये दोनों ओवरलैप होकर अतिव्यापन करके यहाँ सिग्मा बंध का निर्माण कर लेंगे। इसी तरह एक कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन होगा, दूसरा कक्षक जो हाइड्रोजन के दूसरे 1s कक्षक से अतिव्यापन होगा। इस तरह से एक कार्बन कितने सिग्मा बंध बना रहा है? तीन। हमें पता है कि जो भी मल्टीपल बॉन्ड होता है उसमें एक तो सिग्मा होता है, बाकी क्या होते हैं? पाई होते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। हम पढ़ चुके हैं कि जो संकरित कक्षक है वो हमेशा सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो प्योर कक्षक होते हैं, शुद्ध कक्षक होते हैं, वो ही पाई बंध का निर्माण करते हैं। तो ये संकरित कक्षक आपस में अतिव्यापन करके क्या बना लेंगे? सिग्मा बंध। यहाँ भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बंध, ठीक है, और ये भी सिग्मा बंध। इसी के साथ में आपके पास में क्या है? प्योर पी कक्षक बच रहा है, ठीक है। आपको पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p2। हम देख चुके हैं इसको। अगर ये एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 2p3। 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? p में। तो आपके पास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? चार। ये px है, ये py है, और ये pz है, और ये 2s है। तो ये एस पीएक्स की वाई ने तो क्या किया? इसमें भाग ले लिया, आपके संकरण में भाग ले लिया। आपके पास में क्या बच गया? एटीजेड। उसमें भी क्या है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में क्या होगा? समपार्श्विक अतिव्यापन हो जाएगा, और समपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा? पाई बंध का निर्माण हो जाएगा। हमें पता है कि एक रासायनिक बंध बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है? दो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो एक कार्बन वाले पीजेड के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह दूसरे कार्बन के पीजेड के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये आपस में संपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण कर लेगी। ये हुई एथेन की संरचना, और ये हुआ sp2 संकरण, ठीक। आगे देखिए sp3 संकरण। यहां से आपको पता चल रहा है कि इसमें एक तो एस होंगे और तीन पी कक्षक भाग लेंगे, ठीक है। तो एक एस कक्षक और तीन पी कक्षक, ये एस है और ये पी है, ठीक है। मैंने ये तीनों ऐसे बना दिए हैं, जबकि ये ऐसे नहीं होंगे, ये परस्पर लंबवत होंगे। अगर एक्स ऐसे है तो वाई उसके 90 डिग्री पर होगा, और फिर जेड उसके लंबवत होगा। तीनों ही परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता तीनों एक ही दिशा में अनुदिश हो, ऐसा नहीं होता है। तीनों पी कक्षक परस्पर लंब दिशा में होते हैं। अगर आप यहाँ चार कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, तो जो संकरित कक्षक बनेंगे वो भी कितने बनेंगे? चार, ठीक है। तो चार sp3 संकरित कक्षक बनते हैं। चार sp3 संकरित कक्षक ये कैसे विन्यास से विन्यासित होते हैं? टेट्राहेड्रल। चतुष्फलकीय विन्यास में ये विन्यासित होते हैं, ठीक है। इनके मध्य जो बंध कोण होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट के इसके मध्य का बंध कोण होता है। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। आपने sp जब देखा था संकरण, तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना था? 180 डिग्री, फिर 120 डिग्री, अब 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ये इसका बॉन्ड एंगल है। तो ये हुआ sp3 संकरण। अगर एग्जांपल ले तो मैथेन CH4, इसमें ये जो कार्बन है इसका संकरण क्या होता है? sp3, ठीक है।
आपको यहाँ चार सिग्मा बंध शो रहे हैं। ये चारों के चारों सिग्मा बंध कौन से ओवरलैपिंग से बनते हैं? sp3s अपर लिमिट से। हाइड्रोजन का तो कौन सा कक्षा भाग लेता है? s। और जो कार्बन का कौन सा कक्षा भाग लेता है? sp3 संकरित कक्षा। ठीक है, तो देखो ये जो टेट्राहेड्रल विन्यास है कैसा होता है। इसे अगर आप कार्बन का बनाएंगे इसका, तो इस तरह विन्यासित होते हैं ये। और मध्य बंध कौन होता है? 109°28' का। ठीक है, तो कार्बन में अगर आप देखोगे, अगर इसको बंध से दर्शाना चाहते हो, आप संकरित कक्षक से दर्शाना चाहते हो, तो देखो कि किस तरह इसमें अतिव्यापन संपन्न होगा और CH4 का निर्माण होगा। गैस कक्षक है और ये जो कक्षक है वो कैसा है? sp3। तो यहाँ चारों sp3 कक्षक हाइड्रोजन के चार इस कक्षक से अतिव्यापन करके ओवरलैप करके चार सिग्मा बंध का निर्माण करता है और क्या बन जाता है हमारे पास में? CH4 का निर्माण हो जाता है। तो आपने देखा, अब इसको चौक में देखते हैं थोड़ा। आपने देखा कि एसिटिलीन देखी आपने, उसके बाद आपने एथिलीन देखी और उसके बाद आपने मेथेन देखी। ठीक है, हमें पता है कि जो संकरण होता है वो किसका गुण होता है? केंद्रीय परमाणु का गुण होता है, सेंट्रल एटम का गुण होता है। ठीक है, तो देखो मैं भी बता रही थी आपको, अगर इस कार्बन का संकरण देखें तो इसका हम सिग्मा बंध काउंट करते हैं। इसमें सिग्मा बंध कितना है? एक तो ये और एक ये, कितने सिग्मा बंध है? दो। हम सिग्मा बंध काउंट करते हैं, कितने हैं? दो। इसमें कितने हैं? एक दो तीन। इसमें कितने हैं? एक दो तीन चार। अगर दो सिग्मा बंध होंगे तो संकरण क्या होगा? sp। यदि तीन सिग्मा बंध है तो संकरण क्या होगा? sp2। चार है तो क्या होगा? sp3। देखो चार काउंट हो रहे हैं, एक एस और तीन पी, टोटल कितने हो रहे हैं? चार। एक एस और दो पी, कितने हो रहे हैं? तीन। एक एस और एक पी, कितने हो रहे हैं? दो। ठीक है, तो इस तरह यदि ऑर्गेन की बात करें हम, तो इस तरह सिग्मा बंध की संख्या को देखकर और तो इसकी पता कर सकते हैं आप बंध। ठीक है, इसी के साथ में एक और देखा जाता है वैसे, लोकलाइज लॉन्ग पेयर। ठीक है, सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोकलाइज्ड लॉन्ग पेयर, यहां एन काउंट करना होता है। ठीक है, अब ये लोकलाइज्ड लॉन्ग पेयर क्या होता है? आपने कल देखा था लोकलाइज्ड रासायनिक बंध, स्थानीयकृत रासायनिक बंध, इसी तरह स्थानीयकृत लॉन्ग पेयर होता है। ये आप आगे अनुनाद में इसको देखोगे। ठीक है, तो इन दोनों का योग वो एन का मान होता है और एन के मान से इस संकरण को डिसाइड होता है। यदि इनका मान दो हुआ तो संकरण sp आता है, इनका मान तीन हुआ तो संकरण sp2 आता है, इनका मान चार हुआ तो संकरण sp3 आता है। अब हमने सिर्फ यह सिग्मा बंध काउंट किए क्योंकि यहां पर आपको किसी तरह का लॉन्ग पेयर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कोई लॉन्ग पेयर दिखाई दे रहा है यहाँ पर? नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ लोकलाइज्ड लॉन्ग पेयर मैंने एड नहीं किया था। लोकलाइज्ड लॉन्ग पेयर यहाँ क्या है? जीरो है। ठीक है, तो इस तरह से इस संकरण का पता चलता है। अभी देखो, वैसे वो इनऑर्गेनिक की बात है लेकिन आप एक मिनट देख लीजिए। जैसे हम NH3 में नाइट्रोजन का संकरण देखते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक है लेकिन फिर भी देखते हैं। हमने अमोनिया में संकरण का पता करना है तो यहाँ हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि संकरण होता है यहाँ sp3। ये कैसे आया? हम इसकी संरचना को खोलते हैं तो ये नाइट्रोजन में कौन पे जो थी हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। अब यहाँ सिग्मा बंध देखिए तो कितने? एक दो तीन, तीन सिग्मा बंध है लोकलाइज्ड लॉन्ग पेयर, जो कि अपने स्थान छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर नहीं जा रहा है, वहीं रह रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड लॉन्ग पेयर कहते हैं।
तो ये लोकेटेड लॉन पर कितना होगा एक, सिग्मा वर्ग की संख्या तीन, लोकेटेड लॉन फिर एक, टोटल कितने होंगे चार। यदि एन का मान चार है तो संकरण क्या था एसपी थ्री, इसलिए इसका संकरण क्या है एसपी थ्री। ठीक है, तो इस तरह ये एसपी थ्री संकरण की बात है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम। माना कि यह है आपके पास में तिरिडीन, क्या है आपके पास तिरिडीन, यहां पर आपके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है, लॉन पेयर है यहां पर। इसमें संकरण की बात करें तो यहां पर सिग्मा बंध कितने बंधे हुए हैं तीन। ठीक है, तीन सिग्मा बंध है और एक लोकेटेड लॉन पेयर है, इसका संकरण क्या हो जाएगा एसपी टू। ठीक है, क्या संकरण हो जाएगा इसका एसपी टू। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संकरण पता करते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ कार्बन के तीन संकरण दिए हुए हैं एसपी, एसपी टू और एसपी थ्री। जो आपको पता चल गया कि एसिटिलीन में तो क्या होता है एसपी संकरण होता है, एथीन में क्या होता है एसपी टू संकरण होता है, जबकि मैथिन में क्या होता है एसपी थ्री संकरण होता है। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये तो सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए था कि किस तरह से आप अगर अदर कंपाउंड का भी संकरण निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका संकरण का टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बंध लंबाई। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।